नमस्कार साधना प्लस पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। दतिया के किला चौक पर कांग्रेस के आमसभावी संपन्न घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा, मौके पर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गाड़ेवारस में मारपीट का मामला आया सामने, मारपीट में महिला के सिर और चेहरे पर आई गंभीर चोट, मामले की जांच की थी पुलिस। टीकमगढ़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने कच्ची शराब किया जब्त, आरोपी से पूछताछ की थी पुलिस। और टीकमगढ़ में यूको बैंक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने के कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। और आज दतिया के किला पर कांग्रेस की आमसभा संपन्न हुई है, वहीं किला चौक सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह के नेतृत्व में दतिया नगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आमसभा में हिस्सा लिया। वहीं सभा की अध्यक्षता नाहर सिंह यादव द्वारा की गई। बैठक में गुरुदेव शरण गुप्ता, बिपिन बिहारी चौरसिया, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनु पठान समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर ब्रजेंद्र वैश्य पूर्व पार्षद ने मंच का संचालन किया। आज दतिया के किला चौक पर कांग्रेस की आमसभा संपन्न हुई है, वहीं किला चौक सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह के नेतृत्व में दतिया नगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आमसभा में हिस्सा लिया। वहीं सभा की अध्यक्षता नाहर सिंह यादव द्वारा की गई है। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान शरण गुप्ता, बिपिन बिहारी चौरसिया, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अनु पठान समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर ब्रजेंद्र वैश्य पूर्व पार्षद ने मंच का संचालन किया। और आज दतिया के किला चौक पर कांग्रेस की आमसभा संपन्न हो चुकी है। और टीकमगढ़ में दो दिन पहले शहर से एक बोलेरो गाड़ी चोरी होने की शिकायत परिजन ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं फरियादी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला का रहने वाला है, जो टीकमगढ़ अपने दामाद के घर आए थे। इसी दौरान बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन करवाई तो पता चला कि गाड़ी चोरी करने वाला और नहीं बल्कि फरियादी का बेटा ही निकला। आरोपी के पास बोलेरो गाड़ी फाइनेंस का पैसा जमा करने के लिए नहीं था, इसलिए उसने चोरों की घटना रची थी। कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह परवार ने रणनीति के सामने गाड़ी मालिक की रणनीति फेल हो गई। आरोपी की निशानदेही पर चौकी पहार से गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और गाडरवारा से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां चिचली नगर में मायके आई पत्नी पर पति ने जमकर लाठियां बरसाई। महिला के चाचा ने बताया कि दामाद इटारसी से मेरी भतीजी को लेने आया था, इसी दौरान पति ने पत्नी पर लाठी बरसा दी। महिला के परिजन का कहना है कि ये झगड़ा दो तीन महीने पहले से चल रहा था। वहीं महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला का सिविल अस्पताल गाडरवारा में इलाज जारी है। साथ ही पीड़ित परिजनों ने उक्त दामाद की शिकायत चिचली थाने में दर्ज करा दी है। से चल रहा था सर, लोगों का इटारसी की पुरानी रंजिश नहीं है, वो बच्ची को प्रताड़ित कर रहा था कुछ दिन से। कौन मारपीट कर रहा था उसका पति शैलेश। तो दो तीन बार बच्ची ने फोन लगाया, हम लोगों ने उसको फोन लगाया, हम लोग जाने वाले थे तो बोलता था नहीं बताओ वहां गिराए लेके, माफी आफी मांग लेता था, हाथ पैर जोड़ लेता था। आज से 8-10 दिन पहले यहाँ छोड़ गया बच्ची को, बच्ची सब उसके पास हैं। और आज जब यहाँ पे आया तो उसने बच्चे को लाया था साथ में, लेकिन उससे बोला कि एक काम करो यहीं रहो, क्योंकि वहाँ तुम रोज लड़ रहे हो, तुम्हारी लड़ाई क्या है, हम कमरा ले लो कैसे ही रहो। बस इतनी बात थी, बोले ठीक है चाचा जी मैं सामान लेने जा रहा हूँ, यहीं रहूंगा आके। उसके बाद सब लोग यहाँ वहाँ चले गए, घर पर कोई नहीं था, अकेली बच्ची थी और छोटे छोटे बच्चे थे, बस ये पहुंच गया। और टीकमगढ़ मंजुना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते एक आरोपी सहित 60 पाउच देसी महुआ की कच्ची शराब को जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल ने हाल ही में हुई जहरीली शराब घटना को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध जारी नशा मुक्ति अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया था। इसी के साथ ही मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
टीकमगढ़ मंजना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन करते एक आरोपी सहित 60 पाउच देशी महुआ की कच्ची शराब को जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल ने हाल ही में हुई जहरीली शराब घटना को मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध जारी नशा मुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। और मंडीदीप में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि औद्योगिक नगर में संचालित की जा रही डीके संघाई कंपनी ने इलेक्ट्रिक इंचार्ज देवेंद्र साहू को बिना किसी सूचना और नोटिस के नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे ही एक मामला इनके भोपाल स्थित यूनिट पर भी संज्ञान में आया है, जबकि कंपनी मालिक का कहना है कि देवेंद्र ने कोर्ट में अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। मंदीप ने फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि औद्योगिक नगर में संचालित की जा रही जीके संघाई ने इलेक्ट्रिक इंचार्ज देवेंद्र साहू को बिना किसी सूचना और नोटिस के नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और ऐसा ही एक मामला इनके भोपाल स्थित यूनिट पर भी संज्ञान में आया था। इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था, मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। ऑनर कौन है? हेमंत जामल बची। अच्छा अच्छा, आपको कंपनी से क्यों निकाल दिया गया? मुझे कंपनी से इसलिए निकाला क्योंकि मेरा पीएफ का पैसा जो था ये लोग जमा नहीं किए थे। मैंने पीएफ अकाउंट चेक करा अपना, तो उसमें मेरा पीएफ का कोई अमाउंट नहीं जमा हुआ। ये नंबर से मैंने अपना अकाउंट चेक करा, उससे कोई अपडेट ही नहीं दिखा रहा था। ना ही मेरे को पीएफ नंबर दे रहे थे और ना ही मेरा मेडिकल का इलाज करा रहे थे। मेरा कंपनी में पूर्व में कोई आपका एक्सीडेंट हुआ था ऐसा सुनने में आया है? जी हाँ, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, 33,000 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया था। मैं यहाँ मामला आया था, मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो जैसे ही मेरी नॉलेज में आया तो मैंने उसको पहले से आईडी में चलवा, आईडी मतलब उद्योग विवाद अधिनियम के तहत पंजीकृत मामला था। मेरी नॉलेज में आया तो मैंने उसको उप समायुक्त भोपाल को रेफर किया, वहां से वो साहब के दस्तक होने के बाद साहब अपना मत देके उसको श्रम न्यायालय को रेफरेंस कर देंगे। और टीकमगढ़ शहर के जेठा चौराहे पर स्थित यूके बैंक में भीषण आग लग गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी अभी तक पता नहीं चल पाया है। टीकमगढ़ शहर के जेठा चौराहे पर स्थित यूको बैंक में भीषण आग लग गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस बल मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया और ऐसे में यूको बैंक में आग लगी है अभी फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है। और खनगोन में बेटी के सपनों को पंख देने पर मां बाप का नाम रोशन हुआ है। इसका उदाहरण तनीषा वर्मा ने दिया है। आपको बता दें कि समाज में बेटियों पर बंदिशों की सोच से हटकर परिवार के सपोर्ट में तनीषा ने लखनऊ में आईएसएम डिग्री प्रोडक्शन हाउस के सहारे मिस इंडिया सुपर मॉडल कंपटीशन 2021 में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं तनीषा ने बेस्ट आई कॉन्टेस्ट का अवार्ड भी अपने नाम किया है। इस दौरान मनीषा ने बताया कि उनके परिवार में कोई मॉडलिंग और एक्टिंग के काम से नहीं जुड़ा है और पहले ही प्रयास में वो सफल हो चुकी हैं। तभी मनीषा के पिता राजेंद्र वर्मा एलआईसी कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो बेटी के इस मुकाम से पहुंचने पर बहुत ज्यादा खुश हैं। खरगोन की एक खबर, जहां बेटी के सपने को पंख देकर मां बाप ने उसके सपनों को साकार किया है। इसका उदाहरण तनीषा वर्मा ने अपने गांव का नाम रोशन करके दिया है। आपको बता दें कि समाज में बेटियों पर बंदिशों की सोच से हटकर परिवार ने मनीषा को सपोर्ट कर लखनऊ में आईएसएम डिग्री प्रोडक्शन हाउस के सहारे मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉम्पिटिशन 2021 में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं मनीषा ने बेस्ट आई कॉन्टेस्ट का अवार्ड भी अपने नाम किया है। इस दौरान मनीषा ने बताया कि उनके परिवार में कोई भी मॉडल नहीं है, किसी ने एक्टिंग नहीं की है, उसके बावजूद माता पिता के सपोर्ट के कारण आज वो इस मुकाम को हासिल कर पाई हैं। खुशी तो बहुत मिल रही है
और बच्ची पहले राउंड मतलब जो फर्स्ट थी उसमें उस सभी ने बच्चों ने कह दिया था उस समय, और वहां पे जो इनको कर रहे थे कि फर्स्ट तुम ही आओगे, लेकिन सेकंड राउंड में आया। क्या आगे किस प्रकार से आप सपोर्ट करना चाहेंगे? नहीं, बच्ची को हम कुछ कहते नहीं है, बच्ची खुद ही करती है, जो कुछ करती है खुद ही करती है, हमने कोई तैयारी नहीं करी इसकी। जो लाना है कपड़े लाना है तो इंदौर जाके लिए ही। इंडिया सुपर मॉडल नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है, प्रेजेंटेड बाय शरद चौधरी ड्रीम्स प्रोडक्शन हाउस। इसमें ज्यूरी थी रणविजय सिन्हा MTV के एंड प्रिंस नरूला बिग बॉस स्टिच पिला विनर एंड रोहित भी एंड युविका चौधरी उनकी वाइफ और थे करण कुंद्रा गौरी अनुष्का बहुत सारे लोग ट्रैवल ज्यूरी। और खरगोन जिले की वृंदावन कॉलोनी में एक महिला के गले से चैन खींचकर दो आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना सुबह की है, जब महिला तुलसी में जल चढ़ाने गई थी तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं महिला ने बताया कि मुंह पर मास्क बांधकर बदमाशों ने चैन खींची है। वहीं सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है, इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो छह के बीच की घटना है, माता जी रोज की तरफ पूजा करके पानी चढ़ाते हैं सूर्य देवता को, तुलसी माता को, वो पानी चढ़ाने आए थे। दो लड़के बाइक से आए, इधर अंदर की ओर गए, वापस पलट के आए, किसी का पता पूछा और वो माता जी अपनी जगह ही खड़ी रही, बाकी वो माता जी के पास में बाइक एकदम दे गए और गले पे झपट्टा मारे। और मकरोनिया थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दो ठगों ने एक वृद्धा को झांसा देकर उसके सोने के कंगन ठग ले लिए, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बदमाशों की तस्वीरें घटनास्थल के पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहने वाली 70 वर्षीय जुलेखा खान पर बाहर झाड़ू लगा रही थी और तभी उनके पास दो शख्स आए और बर्तन साफ करने का पाउडर बताकर, पहले तो उन्होंने अपने पास रखी एक चांदी की अंगूठी को उस पाउडर से साफ करके महिला को दिखाया। इसके बाद उन्होंने धीरे से अपनी बातों में लेकर वृद्धा के हाथ से सोने के कंगन उतरवाकर उन्हें साफ किया और इसी दरमियान महिला को झांसा देकर वे सोने के कंगन लेकर फरार हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आया कहने लगी उजाला का पाउडर है, इससे बर्तन साफ सब साफ हो जाता है, ये वो ढक्कन तांबे का ये वो, तब मेरे बोतल का ढक्कन साफ किया, फिर अपनी चांदी की अंगूठी निकाली, ये पाउडर डाला वो डाला, फिर दूसरा पीछे से आया वो, और इस तरीके से जो है मेरे को कहने लगा आपकी चूड़ी देखो जरा हम साफ कर दे रहे, तो होश ही नहीं रहा, जैसे कुछ कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरे कभी नहीं हुआ ऐसा। लगभग कितने लाख की चूड़ी थी, कितने पैसे की चूड़ी थी आपकी? अभी ये घटना घटक हुई है जिसमें कि दो लोग आए और महिला को बर्तन चमकाने का झांसा दे दिए, उसके हाथ में जो चूड़ी पहनी थी उसको साफ करने के बहाने चुपचाप उसको जो है खाली करते हुए पार कर दिए, ऊपर से जो है प्रकरण कायम किया गया है, प्रकरण कायम होकर वर्तमान में विवेचना हुई। सर इससे पहले भी आदर्श नगर में भी कैसी कोई वारदात सामने आई? अन्य वारदात विगत माहों में हुई थी, हालांकि क्रियाविधि से थोड़ा सा अलग है। और जबलपुर में लगातार घरेलू गैस से दुरुपयोग की घटना सामने आ रही है, वहीं पुलिस ने जब इन मामले को ध्यान में रखते हुए छापेमारी की तब 22 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। आपको बता दें कि ऑटो में घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और इन गैस सिलेंडर में रिफिलिंग का काम भी कई जगहों पर किया जा रहा है। जबलपुर की एक खबर, जहां लगातार घरेलू गैस के दुरुपयोग की घटनाएं सामने आ रही है, वहीं पुलिस ने जब इस मामले को ध्यान में रखते हुए छापेमारी की तब 22 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। आपको बता दें कि ऑटो में घरेलू गैस सिलेंडर का जो रिफिलिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा दबिश देकर महानतलिया के पास से गैस रिफिलिंग सेंटर पर से 20-22 के आसपास सिलेंडर जब्त किए गए हैं और गैस भरने वाली मशीन जो अवैध रूप से वाहनों में एवं अन्य साधनों के द्वारा गैस रिफिलिंग कर रहे थे और प्राथमिक तौर पर ये
और जबलपुर खमारिया थाना अंतर्गत घाना क्षेत्र से 17 साल की नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा कर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घटना के बारे में आरोपी फरार हो गया था घटना के बाद। वहीं परिजनों ने जब घटना की रिपोर्ट खमारिया थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने धारा 386 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। एक नाबालिका वयस्क बालिका के संबंध में 376 की रिपोर्ट आई थी, करप्शन की रिपोर्ट आई थी, जिस पर से हमने तत्काल एक्शन लेते हुए अपराध कार्रवाई की और तत्काल टीम रवाना किया और आरोपी को हमने पकड़ा गिरफ्तार किया। आरोपी में रहने वाला है, घाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जबलपुर पिछले दिनों नगर निगम के एक ठेका कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने नगर निगम के दो अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और उसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इस मामले में अभी तक आत्महत्या के लिए उकसाए जाने वाला अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं इसके खिलाफ परिजनों और नगर निगम कर्मचारी संघ में आक्रोश जताया है। जबलपुर की एक खबर, जहां पर पिछले दिनों ठेका कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने नगर निगम के दो अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और उसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बावजूद इसके अभी तक अधिकारियों द्वारा जो आत्महत्या का आरोपी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके खिलाफ परिजनों और नगर निगम कर्मचारी संघ में आक्रोश जताया है। अध्यक्ष कांग्रेस कर्मचारी संघ से मेरे पास आज फोन आया रहा कि भैया यहाँ के बड़ी बहुत कर्मचारियों के साथ हमारी दुखद घटना घटी हुई है। बलौगा में एक फाटक हमने वीडियो देखा, जब बलौगा में एक आत्महत्या करते हुए फाटक में लड़का कट गया, जो आत्महत्या से खुद अपनी बयां कर रहा था और आत्महत्या करते समय मेरे ख्याल से कोई झूठ तो कभी बोलता नहीं है, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ जो पीड़ा घटी है बहुत दुखद घटना। और जबलपुर में घरेलू गैस के दाम बढ़ने का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा रसोई गैस के बढ़ते दामों और डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इसको लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी नेताओं ने सड़क पर चूल्हा बनाया और खाना बनाया और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने इस दौरान महंगाई डांस खाए जाते हैं गीत गाकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान खाली गैस सिलेंडर लेकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि गैस के दाम दिनों के दिन बढ़ते जा रहे हैं, अब वो रसोई गैस खरीदे या अपने बच्चों की स्कूल की फीस चुकाए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है, अगर बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगाया जाता है तो वह विधानसभा का घेराव करेंगे। महंगाई के खिलाफ उनका आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। झूठे वादे करके जनता को प्रलोभन देके आई हुई सरकार है, केंद्र बैठी हुई निकम्मी सरकार, जिन्होंने आज महिलाओं ने इस महंगाई को लेकर सड़क पर लाके खड़ा कर दिया हो, सड़क पर खाना बनाने के लिए मजबूर कर दिया हो, ऐसी केंद्र बैठी हुई प्रदेश की सरकार को मुंह में एक तमाचा है। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम खाना खाएं कि गैस भरवाएं कि बच्चों की फीस दे क्या करें, इससे हमको मजबूरी में आके रोड में उतरना पड़ा। हमको हम चूल्हा आज जला के बैठे हैं, झगड़ा से हम खाना बना रहे, हमारे बच्चे भूखे हैं। अभी आप भी देख रहे हो कि मैंने रोटी दी अपने बच्चों को, गैस की व्यवस्था ही नहीं है, कैसे भरवाएं। 150 रुपए हम कमाते, हम गैस भरवाएं कि हम बच्चों को पेट भरे खाना खिलाएं, इससे हमारा जो है हम किसी के दबाव बस में आके नहीं धरना प्रदर्शन करें। हमारी महिला सब इकट्ठा हुई, हम लोग जब वो करें। और बुरहानपुर में एक शख्स की गिनती निमाण अंचल में बीजेपी के सबसे मजबूत झंडा बर्बाद, माफ कीजिएगा, जिन्हें पूरे प्रदेश में नंद कुमार सिंह चौहान उर्फ नंदू भैया के नाम से जाना जाता है। बता दें कि खंडवा संसदीय सीट से सातवीं बार चुनाव में नंदू भैया ने जीत हासिल की है। नंदू भैया की गिनती बीजेपी के मजबूत भरोसेमंद सिपाही में होती है, जिनकी क्षमता का लोहा भोपाल से दिल्ली दरबार तक माना जाता है। वहीं नंद कुमार सिंह चौहान का सियासी सफर छात्र संगठन अध्यक्ष बनने के बाद शुरू हुआ और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया।
साथ ही उभरते हुए युवा नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया। नंद कुमार सिंह चौहान ने साल 1989 में पहली बार चुनावी मैदान में कूदे और 1979 में चुनावी मैदान में कूदे थे और शाहपुर नगर पंचायत अध्यक्ष बनकर उन्होंने सीआईसी पारी की शुरुआत की थी, जिसके बाद चौहान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके सीआईसी सफर पर नजर डालने को साल काफी था और 1979 में पहली बार शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष बने और 1985 में पहली बार विधायक चुने गए थे। बुरहानपुर के लिए और हमारे लोकसभा के लिए इससे दुखद दिन नहीं हो सकता कि एक ऐसे नेता जिन्होंने अपना सर्वस्व अपना पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए लगाया, चाहे शाहपुर नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे सांसद हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने हर ऐसा काम किया है जो जनता के हित में हुआ। मैं और मेरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से उन्होंने विनम्र श्रद्धा देता हूं। एक बात उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी है, विकास काम ये सब कुछ हर लोग हर आदमी करता है, राजनीति में आता है तो विकास करना भी पड़ता है। निमाड़ के कद्दावर नेता सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। आपको बता दें, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पिछले एक महीने से दिल्ली में भर्ती थे, वहीं 20 दिन तक वो भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती रहे। वो कोरोना से पीड़ित थे। सांसद नंद कुमार चौहान के निधन की सूचना के बाद समूचे निमाड़ में शोक की लहर छा गई है। आपको बता दें, शाहपुर नगर पंचायत से 2 बार सांसद नंद कुमार सिंह चौहान अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार शाहपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, वहीं 6 बार सांसद रह चुके हैं। वो वरन निमाड़ के ही नहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता की श्रेणी में थे। संजय दुबे, बुरहानपुर। अरमला जिले के बिछिया विधानसभा के भवंताराल क्षेत्र में कुछ डोलोमाइट की खदानें हैं। वर्तमान में नई डोलोमाइट की खदानें स्वीकृति की गई है। आपको बता दें, ये पूरा क्षेत्र आदिवासी और जंगलों के बीच में है। यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, जो टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर है, यदि इस क्षेत्र में हजारों एकड़ की नई खदानें शुरू होती हैं तो निश्चित ही जन की हानि के साथ जंगल की और जंगल के अंदर चलने वाले क्रेशरों से उड़ने वाले डस्ट और आवाज से पशु पक्षियों को भी गंभीर खतरा होगा। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा के इस क्षेत्र के रहवासी स्थानीय नागरिक विभूति दत्त झा और क्षेत्र विधायक के मार्गदर्शन ने आज वहां पंचायत कर इन खदानों का पूर्णवत विरोध करने और खदानों को न खुलने देने की बात शासन प्रशासन के सामने रखी है। ये जो अभी एक महीना हुआ मात्र, यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने गौर खनिज नियम है, माइनर मिनरल रूल्स, उसमें संशोधन अमेंडमेंट हुआ है और वो पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में कि उन संशोधन द्वारा उनने ये कहा है कि जितने भी वन भूमि फॉरेस्ट लैंड जितने वो भी माइनिंग के लिए दी जा सकती है और ई ऑप्शन से बड़े बड़े ठेके दिए जाएंगे। ये अवैध नीति लागू करके हमारे लोगों को विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े। सबसे बड़ी बात, आज महापंचायत में एक प्रस्ताव पास हुआ है, यदि जबरन हमारी जंगल को छीनने की कोशिश करेंगे तो हमारे गांव के लोगों का प्रस्ताव आया है कि हम पेड़ों में चिपक जाएंगे लेकिन पेड़ को कटने नहीं देंगे, हम जंगल में जमीन में लेट जाएंगे लेकिन हम जमीन को उद्योगपतियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उद्योगपतियों को हमारी जल जंगल और जमीन को सौंपना चाहती है। हम समाज में जन जागृति ला करके हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मंडला पुलिस कंट्रोल रूम मंडला से 28 फरवरी को जिला होमगार्ड कार्यालय में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना महराजपुर के अंतर्गत ग्राम अहमदपुर निवासी मुरारीलाल विश्वकर्मा उम्र 55 वर्ष नर्मदा नदी में नहाते समय 27 फरवरी को ग्राम अहमदपुर स्थित नर्मदा नदी में डूब गया था, जिसकी सूचना पर होमगार्ड कार्यालय मंडल की टीम और एसडीईआरएफ
टीम द्वारा ग्राम अहमदपुर पहुंचे रेस्क्यू उपकरणों और मोटरबोट की सहायता से सर्चिंग अभियान चलाकर आज 1 मार्च को नर्मदा नदी में डूबे मुरारीलाल विश्वकर्मा का शव को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू कार्य में होमगार्ड एवं SDERF की टीम उपस्थित थी। और जबलपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आदिवासियों ने अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। आदिवासियों का आरोप है कि जिला प्रशासन की अनुमति से मराई गांव में उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को आदिवासियों की भूमि आवंटित कर दी गई है। इस भूमि पर उनके द्वारा डायनामाइट लगाकर विस्फोट किया जा रहा है, जिसके पत्थर गिरने से आदिवासियों की खेती खराब हो रही है और यहां पर पानी का भी अभाव हो गया है। खदानों में विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से आदिवासियों के परिवार को चोट भी लग रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा यह क्रशर मशीन लगाई गई है और आदिवासियों की जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है। पूर्व विधायक नन्हेलाल दुर्वे ने इसका विरोध किया। खदानों में प्लास्टिंग की जा रही है, जिससे गांव में प्रदूषण है। मैडम, इनका कहना है कि 100-150 फुट नीचे का देखते मतलब प्लास्टिंग की जा रही है। मैं नन्हेलाल दुर्वे पूर्व विधायक बड़ी चीज, ये सब काम जो हमारे गांव वाले हैं इस बात को लेकर आए हैं कि आदिवासी की जमीन कलेक्शन ने क्या। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधु प्लस। नमस्कार।